हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऊपर। मैच 11 खेला गया अबू धाबी में बिटवीन सनराइजर्स हैदराबाद एंड दिल्ली कैपिटल्स, और ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग मैच था। और इन दी एंड सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा दिया। पहले मैं आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूँ कि दिल्ली कैपिटल्स ने आज क्या क्या गलतियाँ की कि दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर्स से हार गए। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और सनराइजर्स को पहले बैटिंग की दावत दी। सनराइजर्स ने अपने 20 ओवरों में 162 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। सनराइजर्स की तरफ से जॉनी बेस्टो ने 53 रन बनाए, डेविड वॉर्नर ने 45 रन बनाए और केन विलियमसन ने 41 रन बनाए। और सनराइजर्स की तरफ से उनके फॉरेन प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और काफ़ी ही मीडियोकर सी बॉलिंग करवाई है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 2 विकेट रबाडा को मिली, 2 विकेट अमित मिश्रा को मिली। और दिल्ली के बॉलर्स ने सनराइजर्स को रिस्ट्रिक्ट रखा 162 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जब कैपिटल्स की बैटिंग में कैपिटल्स का काफ़ी ही पुअर सा स्टार्ट रहा और कैपिटल्स की तरफ से शिखर धवन ने 34 रन बनाए, पंत ने 28 रन बनाए और हेडमायर ने 21 रन बनाए। और काफ़ी ही अच्छी बॉलिंग कराई गई सनराइजर की तरफ से। राशिद खान ने 3 विकेट ली, कुमार ने 2 विकेट ली और नितिन जैन ने 1 विकेट ली। और दिल्ली कैपिटल्स अब ये मैच सनराइजर से हार के 15 रन से, और दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवर बनाए 147 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और काफ़ी ही मीडियोकर सी बैटिंग की गई क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर सनराइजर्स को पहले बैटिंग की दावत दी। सनराइजर्स ने पिच क्योंकि पिच सपोर्ट नहीं करती बैटिंग को, लेकिन सनराइजर्स के फॉरेन प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की भी। बेस्टो ने भी अच्छी बैटिंग की, वॉर्नर ने भी अच्छी बैटिंग की, केन विलियमसन ने भी अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने 160 के टारगेट को चेस करने को मिला। लेकिन सनराइजर्स के बॉलर्स ने काफ़ी ही लाइन टू लाइन बॉलिंग करी क्योंकि स्पेशली राशिद खान को 2 मैचों से काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। राशिद खान परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन राशिद खान ने फाइनली आज 3 विकेट ली, 4 ओवरों में 3 विकेट ली 21 रन देकर। और साथ कुमार ने उसको पूरा सपोर्ट किया और दिल्ली कैपिटल्स जो टॉप ऑफ द टेबल थी और वो बॉटम ऑफ द टेबल सनराइजर्स से हार गए। सनराइजर्स जो है अपनी पहली विन रजिस्टर्ड की आईपीएल 2020 में, और सनराइजर्स अब जो है बॉटम ऑफ द टेबल नहीं है। अब सनराइजर्स जो है 5वें नंबर पर है और दिल्ली कैपिटल्स 1-2 नंबर पर आ गए। और जो टॉप ऑफ द टेबल है वो है राजस्थान रॉयल्स और जो बॉटम ऑफ द टेबल है वो है सीएसके। लेकिन आज जो है डेविड वॉर्नर की कप्तानी पे भी प्लस पॉइंट होगा क्योंकि आज जो है डेविड वॉर्नर ने मोहम्मद नबी को बिठा कर केन विलियमसन को खिलाया। क्यों मैं 2 वीडियोस से पहले ही कह रहा था कि केन विलियमसन को खिलाना चाहिए क्योंकि सनराइजर्स की बैटिंग काफ़ी ही कमज़ोर है और केन विलियमसन न्यूजीलैंड का कप्तान भी और बैक ऑफ द बोन ऑफ न्यूजीलैंड भी है। आज देखो, आज के लिए केन विलियमसन भी खेला और डेविड वॉर्नर ने भी आराम से खेला था। डेविड वॉर्नर जो है आराम से खेलते, वो 30 बॉलों पर 40 करके चला जाता, लेकिन उसको जो तेज़ खेलने वाला प्लेयर चाहिए वो अपनी टीम में नहीं मिला था। देखिए, बेस्टो ने भी आज अच्छी इनिंग खेली और साथ ही साथ केन विलियमसन ने भी अच्छी खेली। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि राशिद खान की भी फॉर्म वापस आ गई। राशिद खान जो दो मैच से परफॉर्म नहीं करता, आज राशिद खान ने 3 विकेट ली 14 रन देकर और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो सारी यंग टीम है उसकी तरफ से आज श्रेयस अय्यर ने भी स्कोर नहीं किया, धवन ने भी 30 रन किए और पंत ने भी स्कोर नहीं किया, और हेडमायर ने भी 12 बॉल 21 रन किए लेकिन वो 21 रन 50 में कन्वर्ट नहीं कर सका, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच हार गए। लेकिन इंटरेस्टिंग गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिली, काफ़ी मज़ा आया और ये मैच अबू धाबी में खेला गया और मैच 11 था ये। वो दोनों टीमें काफ़ी ही स्ट्रांग थी क्योंकि एक का कप्तान वॉर्नर था, दूसरे का कप्तान श्रेयस अय्यर था, लेकिन श्रेयस अय्यर के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के आगे मेरे ख्याल से थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया होगा, थोड़ा सा प्रेशराइज हो गया होगा, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स जो है टंबल हो गए और 147 रन 7 विकेटों के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल अब ये अपना पहला मैच आईपीएल का 15 रन से हार गई। तो अभी आईपीएल बहुत पड़ा था, लेकिन सनराइजर्स ने आईपीएल का फाइनली स्टार्ट ले लिया क्योंकि मैं सनराइजर्स को सपोर्ट कर रहा था और सनराइजर्स ने 2 मैचों में काफ़ी ही पुअर परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन आज भी सनराइजर्स ने बैटिंग इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन सनराइजर्स के बॉलर्स ने काफ़ी बॉलिंग अच्छी करवाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।